welfare and educational society Maharashtra district Jalna ke zere nigra idare St Mary English School Dr. Rafiq par abhi upasthit hue hazir hue hamare chief guest amdar Kalash Gorantyal sahab ke supotra Akshay Gorantyal sahab हमारे सीनियर खायद इकबाल पाशा साहब नगर सेवक अमेर पाशा सोशल वर्कर गणेश चौधरी अजमल सिद्दीकी साहब और काजी नईमुद्दीन साहब दिगर मेहमान खसूसी में हमारे किसान सेल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नारायण वाड़ेकर साहब युवा कांग्रेस के वसीम भाई और काजी अशरफुद्दीन और उपस्थित तमाम लोग ये इदारा ह्यूमन चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी जालना इसके ज़ेर एहतमाम हमारे डॉक्टर रफीक जकरिया उर्दू प्राइमरी स्कूल एहसान जाफरी हाई स्कूल और सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल इनके इश्तराक से आज ये सालाना सकाफती प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया हर साल की तरह हर साल की तरह इस साल भी हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं मैं इस बात की याद दहानी करा देना चाहता हूँ कि पिछले तीन साल दो साल जो हमारा वक्त कठिनाइयों में गुजरा है उसके बाद जो सरप्रस हजरात आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोगों ने जो मुश्किलात का सामना किया उसके लिए जो है तो आप लोगों ने जो हिम्मत से और रोज़ कमाकर अपने बच्चों को तालीम का नज़म करने वाले वो पेरेंट्स मैं आप लोगों का जो है तो बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्यों कि आपने हलाल कमाई से अपने बच्चों की तरफ इतना मुतवज्जा होकर इतनी कठिनाइयों में कुछ ना कुछ तवज्जो देकर बच्चों के तालीम का नज़म किया मैं आप लोगों की तड़प देखता हूँ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और तमाम जो एजुकेशन पॉलिसी आए हुए हमने हमारे आमदार साहब से भी कई बार इसका जिक्र किया अभी हाल ही में एक पहाड़ टूट पड़ा था हम पर जो पहली से आठवीं तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आप बहुत सी उत्साह से और लगाव से अपनी सारी एनर्जी लगाकर वो फॉर्म ऑनलाइन भरा करते थे और पहली से आठवीं तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जैसे ही माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद हुई उसी वक्त हमने अमदर साहब को कांटेक्ट किया अमदर साहब ने बोले इसका आंदोलन करो और मैं खुद रहूँगा और आप लोगों ने देखा है पाशा साहब आप भी मौजूद थे नेशनल माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के खिलाफ हम लोग अक्षय गोरंटियाल के पिता आमदार कैलाश गोरंटियाल के साथ हमने पुरजोर एहतजाज किया और ये स्कॉलरशिप आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए हम जितनी भी जालना से कोशिश हो सके हम वो करवा के उसको सक्सेस करेंगे जो मेहमान खुसूसी हमारे पास आए हुए हैं अक्षय गोरंटियाल इनको मैं शादी की बधाई देता हूँ तमाम पेरेंट्स की तरफ से इदारे की तरफ से सोसाइटी की तरफ से दे रहो अभी और आप लोग जानते हैं ये जो गेस्ट है हमारे आमदार साहब और ये पिछले 15 साल से हमारी गैदरिंग में इनके हाथ से इनॉग्रेशन होता है इकबाल पाशा साहब और आमदार गोरंटियाल साहब ये वो दौर था जब हमने स्टार्ट किया था स्कूल लेकिन आज हमारे इदारे अनुदानित है ग्रांटेड है हमने जो मुश्किलात का सामना करके आज इस रास्ते पे कठिनाइयों से हटकर आज हम जिस मंजिल पे पहुँचे हैं सरकारें कोई भी आओ लेकिन हमें जो मिला है वो कांग्रेस की सरकारों में ही मिला है अनुदान मिला है स्कूलों के परमिशन मिले और जितनी भी जो हमारी सेकुलर पार्टी और सेकुलर लीडरों की हेल्प से ही हुआ मैं आप लोगों का ज़्यादा ना वक्त लेते हुए मैं यहाँ पर आए हुए गेस्ट तमाम सरप्रस हजरात आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके नौ निहारों को आज जो मुस्तकबिल की एक जमानत है
हमने ये ख्वाब देखा था आज से 10 साल 15 साल पहले कि भाई अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम 10 साल अगर मुसलसल अगर कोशिश करते रहे तो हमारे पीछे एक बहुत बड़ी खतार डॉक्टर इंजीनियर्स और बहुत तालीम याफ्ता तबके की रहेंगी। हमारी जिस इलाके में हमने स्कूल खोले चंदन जीरा, वहाँ पर हमारे बच्चे मैट्रिक पास होने के बाद टॉपर्स है। और गुज़िश्ता टाइम नीट में जो एक बच्ची जगह जगह इदारे वालों ने अपना डिजिटल बोर्ड लगाया था और मुबारकबाद दी थी कि भाई ये स्टूडेंट जो है तो टॉपर लिए और मेडिकल के लिए जो है तो गई है, और उसके बाद वो बच्ची हमारे इदारे पे आई और हमारे पास आकर जो है तो उसने क्या बोलते हमारा तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उसने स्टेटमेंट दी कि मैं स्टैंडर्ड केजी से तो आठवीं तक रफीक जकरिया उर्दू प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट थी और मेरा पाया यहीं से मजबूत हुआ। और जो बारहवीं में अखबार में आप तस्वीरें देखते हैं तो हमारे पास के तुलबा मैट्रिक पास होने के बाद और जूनियर केजी और प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद में जो टॉपर्स होते हैं वो हमारे स्टूडेंट ही होते हैं। ये मैं इस स्टेज से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे असातिज़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो काबिले मुबारकबाद है। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ और आप तमाम को जो है तो रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है तो इस प्रोग्राम को संजीदा और इत्मीनान से बैठ कर जो है सुनिए। सर बुजुर्ग साहब, मेरे वालिद जनाब इकबाल पाशा साहब, इस सोशल सोसाइटी के, एजुकेशन सोसाइटी के और दीगर सोसाइटियों के और सेवादल के काफ़ी सारे दोस्त हैं जनाब अब्दुल रफीक सर साहब के पास। उसके बाद हमारे एहसान दल के बावड़े सर, युवक के वसीम भाई, हर जगह पेश पेश रहने वाले ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वाले ऐसे गणेश भैया चौधरी साहब, इमरान चौधरी, दानिश साहब, अक्षय भैया गोरंट्याल के सभी दोस्त अहबाब और यहाँ पर मौजूद तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों के वालदैन, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक हमारा उर्दू इदारा बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जैसा रफीक सर ने बताया कि जो बच्ची नेट में फर्स्ट आई उसने हाई क्लास तक इसी इदारे से तालीम हासिल की, हमें इस बात पर बहुत फख्र है और इंशाल्लाह हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में और काफ़ी सारी बच्चियां और बच्चे इसी इदारे से फारिग होकर हमारे शहर का, हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का नाम करेंगे। ये इदारा जब रफीक सर ने शुरू किया था तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो तो तफसील से बताएंगे। जितना मुझे पता है काफ़ी रफीक सर ने स्ट्रगल किया है
और हर जगह जालना शहर के लोकप्रिय आमदार साहब, इन्होंने अब्दुल रफीक सर साहब की कदम कदम पर मदद की है। और जैसे अभी शुरुआती भाषण में रफीक सर ने बताया कि हमारी जो शिष्यवृत्ति होती है, स्कॉलरशिप, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली से आठवीं तक बंद कर दिया था। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा रफीक सर को कि जालना से सबसे पहला जो आंदोलन हुआ उसको चालू करने के लिए, तो वो एहसान जाफरी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से अब्दुल रफीक सर ने आमदार कैलाश गोरंडियाल साहब के नेतृत्व में किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी रहा। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि ये जो इरादा है, इदारा है, वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। हमारी कौम के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन की तरफ रागिब हो और हम में से भी आने वाले वक्त में अबुल कलाम जैसे महान मिसाइल मैन, टीपू सुल्तान जैसे फ्रीडम फाइटर इस स्कूल से बन कर निकले। हम ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं और आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हम बहुत पिछड़ चुके हैं एजुकेशन के मामले में, तो मेरी आपसे अद्भुत गुजारिश है कि एक रोटी कम खाइए मगर अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, ये हमारी अहम ज़रूरत है। आने वाला वक्त कैसा होगा हम बता नहीं सकते, मगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इस दुनिया के कामयाब तरीन शख्सों में शुमार हो सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी जगह लूँगा और मुझे यहाँ बुलाया, मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और इतना अच्छा प्रोग्राम रखा इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फाउंडर अब्दुल रफी सर, मेरे चौधरी जी, आमिर पाशा, हमारे सेवादल के अध्यक्ष सिद्दीकी और नारायण वाड़ेकर जी, शेख अब्दुल मतीन साहब, वो छठी पर चढ़ा इससे पर बैठे हुए सभी नौजवान साथियों, सामने बैठी हुई हमारी बहनें और बच्ची और आए हुए तमाम मेहमान पेरेंट्स को। अभी अक्षय भैया हमारे समारोह सुन कर रहे थे, तो मेरे कहने में एक शेर आया, क्योंकि पहला शेर है तो बहुत मज़ा आता है, मगर आप ही बोलते हैं शेर। यूँ कहने को तो क्षमा रोशन हुई लेकिन, यूँ कहने को तो क्षमा रोशन हुई है लेकिन, मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है, मोम रहता है उसमें और उसमें धागा जब तक रहा नहीं तो शायद नहीं, सब शायद क्या बोली में भरोसा नहीं रहता। और एक शेर इसी क्षमा पर सुना तो, कितने परवाने जले राज्य पाने के लिए, कितने परवाने जले राज्य पाने के लिए, क्षमा जलने के लिए है कि जलाने के लिए। अब देखिए कि क्षमा की अजीब तासीर है, रोशनी भी रहती है और जलती रहती है। ये कैफियत अगर हमें सभी लोगों में हो जाए कि हम काम करें अल्लाह के बंदों के, जितने इंसान बचते हैं सारे मानव एक माता पिता की संतान है, नाते से हम सब आपस में भाई, हमें कोई फर्क नहीं कि कोई गणेश हमारे चौधरी साहब के वहाँ गणेश चौधरी पैदा हो गए, कैलाश गोरंटाल जी के पास अक्षय भैया हो गए, हमारे पास आमिर हो गया, अब्दुल रफीक साहब के पास वसीम हो गए, क्या नाम बच्चे दानिश, सॉरी दानिश नसीम बोलता हूँ, दानिश भैया हो गए और भी इतने हमारे लोग, तो यहाँ जात और पात को इस इदारे में और हमारे जो नेता है तलाजी गोरंटियाल साहब, इनके पास कोई स्थान नहीं है, बल्कि उसे देखते हैं कि काम करने वाला शख्स कौन है और उसके साथ साथ लॉयल्टी भी देखते हैं कि कितनी ईमानदारी से वो उनके साथ है और पार्टी का काम करता है। और जो शख्स पार्टी का काम करता है, पार्टी का काम करने का मतलब आवाम का काम करता है, पब्लिक का काम करता है, पार्टी का कोई झंडा लेकर रात दिन फिरने की ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन उन्होंने जो रास्ता बताया है काम करने का तरीका,
कि लोगों से काम करते रहो, लोगों से अगर काम करेंगे तो आप उनके दिलों पर राज करेंगे। आज रफीक सर एक छोटा सा इदारा लेकर चले थे। अच्छे भैया, लोग नहीं जानते कि तकलीफ के पीछे क्या है। हमको बार बार जो तकलीफ होती है, हम ये महसूस करते हैं कि आज तकलीफ हो गई, हमारे को परेशानी हो रही है। अब्दुल रफीक सर एक इदारे में काम करते थे, उस इदारे वालों ने उनको निकाल दिया। ये ईमानदार आदमी भिड़ जाते थे तब से। अब यहाँ तो आगे पीछे करने वाले इदारे में होना, जब तक इदारे के बड़े जो करता रहता है उनके पीछे नहीं फिरे तो लोग नाराज हो जाते, उनको निकाल दिया गया। कि आगे छिड़े कोर्ट में केस वगैरह करे, फिर वो लोग हमारे पास आए, अपने बोले रफीक सर जाने दो, अल्लाह आपकी इससे ज़्यादा मदद करेगा। फिर उन्होंने दिल में ठान लिए, पूरी हिम्मत और लगन के साथ चलाजी गोरंट्याल साहब के साथ जुड़े और उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए आज इतना बड़ा इदारे, दो कितने कितने इदारे अपने, चार इदारे अलहमदिल्ला चल रहे हैं। तो ये मेहनत और लगन की वजह से हुआ है। आज भी हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे अब्दुल रफीक सर के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनके चरण चिन्हों पर चलेंगे, तो कोई अजब नहीं कि वो भी आगे चलकर बहुत तरक्की करेंगे। मैं ये जरूरी नहीं समझता कि वो इदारा कायम करवा, इदारे तो अब हो चुके हैं कायम, फिर इदारों की मदद करो। मदद करने से मुराद वहाँ पर हमारे बच्चे जो तालीम हासिल करें, इस इदारे को बढ़ावा दो। आज हमारे दरमियान पहला जो उनके अंदर की कमी महसूस हो रही है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनकी कमी को हमारे नौजवान साथी अक्षय गोरंट्याल के रूप में पूरी हो रही है। तो रफीक सर हमेशा ही जो कार्यक्रम देते हैं, आज सही हमारी माया बहने बैठी है यहाँ पर, इतनी तादाद में मैंने किसी भी इदारे में, आप लोग भी जाती होंगी, हमारी बच्चियाँ जाती होंगी कई स्कूलों में, और भी स्कूल हैं, और भी इदारे हैं, लेकिन इतनी भारी तादाद में हमारी माया बहन बच्चियाँ ये कभी भी नहीं जाती एनुअल फंक्शन में। ये पहला इदारा है हमारे अब्दुल रफीक सर का, काबिल मुबारकबाद है वो, जो उनकी नेक नीयत है और उनकी लगन की वजह से आज हमारी बच्चियाँ यहाँ इतनी तादाद में बैठी है, और उनके पेरेंट्स भी आए हैं, उनके वालिदैन भी आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक शेर कहूँगा मैं और अपनी बात ख़त्म करूँगा, कि जो मिला बुलंद मर्तबा मिल गया उसे, जो मिला बुलंद मर्तबा मिल गया उसे, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। रफीक सर की जो नीयत है, असल में इनम अलामाल भी नहीं है, अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है, हदीस शरीफ में बात आई है। तो उनकी जैसी नीयत है अल्लाह ताला वैसी मदद करता है। एक और हदीस में हदीस खुशी है जिसमें अल्लाह ताला खुद बोलता है कि मेरा बंदा जैसा मेरे ताल्लुक से गुमान रखता है, मेरा अमल वैसा होता है। तो हम जैसा अमल रखेंगे, जैसा ख्याल करेंगे अल्लाह से, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आज इस पुराशोक दौर में देखिए कि सिगरेट बैन रखने वाले, उंगलियों पर गिरी जाने वाले हजरात, जिसमें पहला नंबर हमारे शहर के हम लोकप्रिय आमदार पहला जी गुरुदेव का जाता है, ये लोग काम करते हैं और सभी जात और धर्म के लोगों को जोड़ कर रखनी कला है। चाहिए कोई ऐसा लीडर होगा और हर अच्छे बुरे, मतलब खुदा न खासा तबियत खराब हो जाए, किसी दौड़ के आते हैं, कोई ऐसी घटना घट जाए तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कि जब से मैं समझता हूँ जो अंधारे अंधार से पहले नगर अध्यक्ष भी थे, तो उस वक्त से फोटो देखेंगे अच्छा भैया तुम, तो कितनी पुरानी फोटो हमारे पास ईदगाह में उनकी मौजूद है, क्योंकि ईदगाह जनत हमारी तरफ भी है। उसमें हमने देखे कि वो पहले से चले आते, वो छोटी उम्र से यंग थे, खैर यंग तो अभी भी हो, ऐसा नहीं है कि वो अभी नौजवान नहीं है, अभी भी आज भी नौजवानों से बहुत ज़्यादा आगे है वो। हम अल्लाह ताला की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तला से गोरंट्याल को इसी तरह हिम्मत और ताकत दे, और वो हमारे सभी समाज के सभी धर्म के लोगों के प्रतिनिधित्व करते रहें। उन्हें यहाँ बोलने का अवसर दिया गया, और रफीक सर का मैं कार्यक्रम से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए। उनका पूरा स्टाफ मुबारकबाद के काबिल है, क्योंकि अकेला चना वो कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं फूटता, उसके साथ चने होना चाहिए। तो रफीक सर के साथ जो टीम है, ये टीम ही इस स्कूल को चलाती है उनके मार्गदर्शन में, उनको मुबारकबाद पेश करना, और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया गया, बुलाया गया। मेरे बच्चे को साल नहीं दिए, मगर बहुत दो तीन बार तो इशारा कर रहा था, ऐसा नहीं ना, तुम ऐसा नहीं करना, अच्छी बात नहीं, ले ले ये ले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आदरणीय व्यासपीठ, यहाँ पर व्यासपीठ पर मौजूद हमारे, जिनको मैं पहले से फैमिली मेंबर और हमारे दादा समान बोलता हूँ, इकबाल जी, पाशा साहब जी, इस वार्ड के नगर सेवक,
अमेर जी, पाशा जी, हमारे नारायण मामा वाडेकर जी, हमारे शकील भाई के छोटे भाई वसीम जी, हमारे गणेश चौधरी जी जो ब्लड डोनेशन में जिनका काफ़ी अच्छा नाम रहा है जालना शहर में, और विशेषकर अगर किसी का नाम लेना चाहूँगा तो वो है हमारे अब्दुल रफीक जी, क्योंकि बोलने में मुझे काफ़ी खुशी होती है कि तकरीबन 4 स्कूलों को वो आज मैनेज कर रहे हैं, एक अकेला आदमी मैनेज कर रहा है जो जॉब नहीं, और एक गवर्नमेंट ग्रांट की स्कूल चलाना और उसमें गवर्नमेंट के कितने अधिकारियों को आपको मिलना पड़ता है, उसमें कितने चक्कर मारने पड़ते हैं, इसका अच्छा आइडिया मुझे भी, क्योंकि हमारी भी गवर्नमेंट ग्रांट की स्कूल है, महाराष्ट्र हाई स्कूल जो हमारी है, तो निश्चित ही काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ को संभालने में। और आज जिस अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ, जो आपका गैदरिंग है या जिसको आप एनुअल फंक्शन बोला जाता है, वो है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन हाई स्कूल। इन 3-4 में से इन 3 स्कूलों का आज एनुअल डे होने वाले, चौथे पे अभी हमको बुलाया जाएगा नहीं जाएगा तब का तब। निश्चित ही मेरे साथ यहाँ व्यासपीठ पर मौजूद बाकी सभी मान्यवर, हर एक का नाम लेते चले जाऊँगा तो इतना टाइम लगेंगे कि बच्चे चिल्लाएंगे मेरे को, और यहाँ मौजूद मेरी सभी माताएं बहनें, यहाँ मौजूद मेरे सभी भाई और दोस्त। सबसे पहले मैं आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मंच यहाँ पे उभारा है, खड़ा किया है अपने स्कूल में जो विद्यार्थी है इनको एक टैलेंट दिखाने के लिए। अक्सर होता क्या है, एनुअल डे का दिन ही होता है जब एक तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं अपने माँ बाप के आगे अपना टैलेंट दिखाते हैं, फिर एक होता है आपका स्पोर्ट्स डे, और तीसरा होता है एग्ज़ाम के बाद आने वाला पीटीए, जिसमें आधे स्टूडेंट आते ही नहीं, क्योंकि कैसे है किसके मार कैसे किसके कम उसके हिसाब से रहता, हम तो गायब रहते थे स्कूल। लेकिन हंसी मजाक की बात एक जगह पर, आज यह तमाम जो पेरेंट्स मौजूद हैं इतने बड़ी संख्या में आए हैं, तो ये संख्या का जो कारण है ये निश्चित ही समझता है कि अब्दुल रफीक सर और उनकी जो टीम है इसका पूरा क्रेडिट मैं उनको ही देना चाहता हूँ। देखिए हर आदमी ने एक प्रकार की सेवा करनी चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ, और जो आदमी सेवा अपने शहर के लिए करता हो, अपने समाज के लिए करता हो, अपने देश के लिए करता हो, उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। सेवा अलग अलग प्रकारों से की जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्टिकुलर फील्ड में आप राजकारण में उतर के ही सेवा करें। जो हमारे गणेश जी ब्लड डोनेशन में पूरे पने में उतर गए थे, पाशा साहब आपका तो हर पुढ़ारी को मार्गदर्शन इस गाँव में, अमेर अच्छा काम कर रहा है, एक खुली बात बोलता हूँ मैं जो है सच है हकीकत है। लेकिन जिस तरीके से रफीक सर ने एक लाइन पकड़ा एजुकेशन, जो कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा कीमती होने वाला है, और आज के समय एजुकेशन की कीमत हर कोई जानता है, तो निश्चित ही एक बहुत अच्छा सेवा का साधन आपने यहाँ पकड़ा है, और 4 स्कूलों के जरिए आप जो पूरी कर रहे हो इसके लिए मुझे लगता है जालना वालों की ओर से भी मैं आपको शुभेच्छाएं देता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स काफ़ी देर से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये प्रोग्राम शुरू होता है, कब इन लोग के भाषण खत्म होते हैं, उनकी हंसी बता रही है। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी बात भी कहना चाहता हूँ, देखिए एक स्टूडेंट लाइफ हम सब यहाँ से गुजर चुके हैं। मैं तो जालना में 10वीं तक था, 12वीं तक था, उसके बाद मैं पूना गया, पूना से फिर मैं बॉम्बे, और बॉम्बे से फिर मैं गया लंदन 1 साल, और जैसे ही मेरा एजुकेशन कम्प्लीट हुआ मेरा सबमिशन जिस दिन करा उसके अगले दिन की फ्लाइट से मैं वापस आ गया जालना, कि जो बाहर गाँव में रह के सीखा वो कोई प्रकार से अपने शहर में लाना है और उसका इस्तेमाल करना। मूल मुद्दा एजुकेशन का ये नहीं होती कि मेरे घर पे मैंने ये डिग्री लाई, मेरे ऑफिस पे डिग्री का बड़ा फोटो लगाया मैंने, एजुकेशन का मूल मुद्दा ये होता है कि आप जो बाहर रह के सीखे हो उसका आप कैसे आपके डे टू डे लाइफ में ला सकते हो, उसका इस्तेमाल करके कैसे आप आपके माँ बाप का नाम रोशन करते हो, शहर का नाम रोशन करते हो, या अपने जिले का नाम रोशन करते हो। और दरअसल पेरेंट्स को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए हर एक का एक अपना फील्ड होता है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, किसी का शायद स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई शायद क्रिकेट अच्छा खेले, कोई शायद पढ़ाई में अच्छा हो, कोई शायद फुटबॉल में हो, और कल को ऐसा ना हो जाए कि आमिर राजकारण में अच्छा और पाशा साहब ने बोल दिया नहीं तो कुछ भी करके डॉक्टर ही बन, तो इलेक्शन में कैसा खड़ा हूँ। निश्चित ही हर स्टूडेंट के अंदर, हर आदमी के अंदर एक टैलेंट होता है, आपका काम है, माँ बाप का काम कि कैसे आप अपने बच्चे का टैलेंट निकाल सके, ये चीज़ में अच्छा है, आप उनके टीचर से मिलिए, बात कीजिए, उसके लिए रफीक सर और उनकी पूरी टीम आपके साथ है,
और उसके बाद उस टैलेंट पे कैसा फोकस करके अपने बच्चे का हमको स्किल बढ़ाना है और उसको आगे ले जाना है, आप उस पर कृपया करके फोकस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती करके हर एक को आप पढ़ाई करो बोलेंगे, हर एक को बोलेंगे आप क्रिकेट खेलो, उनका टैलेंट आप समझिए और उसके बाद की जो कोई भी मदद लगती होगी उसके लिए निश्चित ही मैं और मेरा परिवार आपके साथ खड़ा है, और चाहे कोई भी प्रकार की मुश्किल हो जाए हम आपके साथ हमेशा आते हैं। हमारा पहले से बहुत क्लियर भंडारा है कि सुबह ऑफिस का एक बार दरवाज़ा खुल गया 9:30 के आस पास, उसके बाद ना कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है, ना कोई पीए को मिलना पड़ता है, ना किसको मिलना पड़ता है, डायरेक्ट अंदर आप एंट्री कर सकते हो। मेरे पिताजी नहीं तो मैं कोई ना कोई एक ऑफिस में हमेशा रहता है, जब दूसरा कोई प्रोग्राम में जाता है तो एक बंदा हमेशा ऑफिस में बैठा रहता है। तो आपकी हर अड़चन हम सुनने के लिए तैयार है। और जैसे रफीक सर आप ग्रांट के बारे में बता रहे थे, जैसे साफ की आपको मदद रही, देखिए गवर्नमेंट ग्रांट स्कूलों में कोई ना कोई दिक्कत आती है जाती है, उससे परेशान ना होते, आपके पास कोई भी आइडिया अच्छा नहीं तो आपके स्कूल की टीम का हमेशा मेरे घर पे स्वागत है और हम हमारे जितना प्रयत्न हो सकता है उसका हमारा प्रयत्न करके आपकी मुश्किल हम निपटा के देंगे। एक बार निपटा के दिया है, हज़ार बार भी आओगे तो हज़ार बार निपटा के देंगे, उसमें कोई डर की बात नहीं। अब ज़्यादा समय ले चुका हूँ मैं, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ, फिर से आए हुए सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्यार से बनाइए म्यारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए, अपनी मसरूफियात को थोड़ा परे रखकर अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे। यही हम तमाम पेरेंट्स से आए हुए मौजूद पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे। जोरदार तालियां बजाई जाए।
किताबों से भीड़ लगाओ, हर बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भीड़ लगाओ। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबाव के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे, पढ़ो जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो पढ़ो डरो तो ढूंढना मिलेगा। टीचर का डंडा पड़ेगा, ऐसी हवा में जो उल्टा फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट उसका मैं करूंगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना, सिद्ध मेंटेन करो, चढ़ माउंटेन चढ़ो, डरो तो ढूंढना पड़ेगा। I'm
नैया ने पूछा थे भैया से Yeah.
अब इसके बाद बॉयज सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल इंडिया वाले तैयार रहे। One, two, three, start. Yeah.
सलाम किया करें। सलाम के आदाब बताने के लिए आ रही है शाहजेमा निसार खान। रसूल करीम अम्माबाद, नफरत की बात है न दावत की बात है, मेरी जबान पर सिर्फ मोहब्बत की बात है। मोहतरम सदर जलसा और अजीज तलबा, आज के इस पुरानक महफिल में मैं आप हजरात के सामने मोहब्बत अजीम है, आपस में इख्तलाफात क्यों नहीं, जैसे अनवान पर लपकशाई करने की जरूरत वजूद कर रही हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामा इकराम, मोहब्बत इंसानी माशरे की सबसे बड़ी दौलत है। जिस कौम ने, जिस बरदरी ने, जिस कबीले ने भी मोहब्बत को अपनाया वो कामयाब और कामरान होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। और जिस कौम ने, जिस बरदरी ने, जिन लोगों ने भी मोहब्बत जैसे हसन अमल को पस्त पश्त डाला, मोहब्बत से रोगर्दानी की तवक़ों जिल्लत और रुसवाई से दोचार होती रही। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत इख्तलाफात न इख्तलाफाती से ज़्यादा मोहब्बत को अहमियत दी, और इसी वजह से आपने फरमाया सलाम को फैलाओ और आपस में एक दूसरे से सलाम क्या करो, क्योंकि सलामती मोहब्बत का दूसरा नाम है। और आपस में सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है, दिल मिलते हैं, इख्तलाफात ख़त्म होती है और दिल में से हसद जलन कीना बास अदावतें नफरतें दूर होती है। आखिर में एक शेर कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। मोहब्बत के वास्ते पैदा किया इंसान को, मोहब्बत के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरी दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन। नमस्कार, जो अपने गाड़ियों से आए हैं उनको भी नमस्कार, जो बसों में ठूस के आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार और उनके बहनों को भी विवेक नमस्कार। मैं शरमपुर का उम्मीदवार हूँ। हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। अरे नेता तू है क्या? मैं और हमारे बॉडी गार्ड है रे। बॉडी गार्ड नहीं नेताजी, सिक्योरिटी गार्ड। तू बन जा नेता, बन जा नेता तू। आइए नेताजी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अरे भाई, ये तो स्थान ग्रहण करने की बात कर रहा है, यहाँ पे तो चार पाई भी ना बिछोइए। नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ पर चार पाई नहीं चेयर लगाई जाती है। अरे भाई ये चेयर का हुए, छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। अच्छा अच्छा, जान गए जान गए। हाँ हाँ, इतनी छोटी चारपाई, इस पे तुम्हारा बम भी ना आवे। तो चलिए नेताजी, आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। अरे भाई ये इंटरव्यू का हुए, छाप छाप गया नेताजी, छाप छाप गया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जान गए जान गए। चलो नेताजी, आपसे सवाल पूछते, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? भाई मेरा जन्म इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया में कौन से इलाके में हुआ था? मेरे भाई इलाका तो कुत्तों का हुए, हम तो इज्जतदार लोग, हम तो घर में पैदा होते हैं। सर मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में हुआ था? अरे भाई अब चार दिन के बच्चे को थोड़ी ना पता होगा, उस टाइम तो मेरी आंखें भी बंद थी। चलो नेताजी, अब जनरल नॉलेज की कुछ क्वेश्चन पूछ लेते। अरे भाई ये जनरल नॉलेज का हुए, सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा अच्छा, जान गए जान गए। हाँ हाँ, अच्छा तो नेताजी बताइए, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? भाई चांद पर पहला कदम अम्मा स्टॉक ने रखा था। अम्मा स्टॉक नहीं नेताजी, आर्मी स्टॉक ने रखा था। तू बन जा नेता, बन जा नेता तू। अच्छा नेताजी बताइए, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है भाई, एक टांग से वो क्या लंगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा कदम भी उसी ने रखा था। अच्छा बता, तुम्हारी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? अरे भाई ये गवर्नमेंट का हुए, सरकार नेताजी, सरकार। अच्छा अच्छा, जान गए सरकार। हमारी सरकार तो राम भरोसे चले। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे नेताजी? अरे नहीं नहीं, वो राम भरोसे नहीं, जय राम भरोसे। मगर वो कैसे नेताजी? सारा काम जय करे, हम तो सिर्फ अंगूठा लगावे। अच्छा तो नेताजी बताइए, आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई ये डेमोक्रेसी का हुए, प्रजातंत्र नेताजी। अरे अच्छा अच्छा, जान गए जान गए।
जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। अच्छा तो नेताजी बताइए आपने जनता के लिए क्या किया? क्या क्या है भाई, घोटाले के अलावा कुछ भी कह दो नेताजी। भाई हमने पिछले साल कंबल बंटवाए थे जनता को। अरे नहीं नहीं, जानवरों को, गाय भैंसों को। आपने मतदान जनता से लिया और कंबल जानवरों को बंटवाई? अगर कंबल ना बंटवाते तो थर्ड से मर जाते बेचारे, दूध तो उन्हीं का पीते हैं। अच्छा तो नेताजी पिछले साल जो गांव में आग लगी थी उसमें आपका क्या योगदान रहा? क्या योगदान रहा कुछ भी कह दो नेताजी। भाई जो लोग मर गए थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनके लिए नया सेंटिस लगवाया, और जो लोग घायल हुए थे उन्हें शमशान घाट पहुंचाया, जो लोग मर गए थे उन्हें 50 रुपए का मुआवजा दिया, और जो लोग घायल हुए थे उन्हें 10 रुपए का। अच्छा तो नेताजी बताइए आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई मारे पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है, जूता। अच्छा तो नेताजी बहुत बातें हुई, आप अपने पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई मैं मेरे पार्टी को यह संदेश देना चाहता हूँ क्या, बाहरी बम बताओ से हमारी विजय बनाओ, जो दारू से न माने उसे कॉफी पिलाओ। अब भाई इससे ज्यादा मुझे ना पूछ। अच्छा Thank you.
बॉय शहीद एहसान जाफरी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल। ये देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं और कंप्यूटर कैसे परेशान कर रहे हैं डॉक्टर साहब को। इंतजार चल रहा है, कोई पेशेंट नहीं आया। शायद पेशेंट आते दिख रहा है। शायद पेशेंट के पेट में दर्द है। ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। सर थोड़ा साइड में लो ना, सर सर थोड़ा साइड में लो चेयर आपने। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। देखिए सिगरेट की पैकेट निकल रही है। हटना भैया, अरे यार उधर जा, उधर जा।
किस चीज की है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो आप सबको मालूम है। मिनरल वाटर। डॉक्टर साहब, बड़ी ही नाजुक सुई से टांके लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं किसी भी तरह का नशा करना बुरी बात है। पहली बार देखा पेशेंट ऑपरेशन होते ही खड़ा हो गया। किसी भी तरह का नशा करना बुरी बात है। अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीरो मीर चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस्से मस ना होंगे हम। आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। अरे क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या होगा, कमाल सीढ़ी
अच्छा दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि उसे अपने टारगेट शीट में मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रहा है। जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। Yeah.
मोहब्बत की है इस दिल के अलावा किसी से बिना हमने इजाजत ली है दुश्मन की हमने हिफाजत की है बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों ऐसी हो बांध लूं मुझ पे जो पसंद में जान मैं तुझे जाओ तू देशों से काम लेने
नहीं महानाटक है। ये महानाटक है। आओ 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 नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल क्यों चाहिए? मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे भी गेम खेलना है। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे भी गेम खेलना है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए। भैया के पास भी मोबाइल है, मुझे भी मोबाइल चाहिए। भाई को पढ़ने के लिए मोबाइल की जरूरत, मुझे मोबाइल चाहिए, बस चाहिए। इसे दे दो बेटा मोबाइल। नहीं मुझे काम है, मुझे फोन की जरूरत है। मुझे मोबाइल चाहिए, बस चाहिए। ठीक है ये लो मोबाइल। ये बच्चा बहुत जिद्दी हो गया, इसने मुझे परेशान कर दिया। आप लोगों ने बच्चे किस तरह अपने वालदैन को परेशान करे और मोबाइल के लिए जिद करे। चलो बच्चों खाना खा लो। अभी हम गेम खेल रहे हैं, गेम खत्म होने पर खा लेंगे। खाना ठंडा हो जाए, गरम करके खा लेंगे। तुम बहुत देर से मोबाइल देख रहे हो, अब खाना खा लो। खाना के अभी गेम खेल रहे हैं, गेम खत्म होने पर खा लेंगे। या अल्लाह ये बच्चे तो वक्त पर खाना ही नहीं खाते। ये बच्चों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। तो देखा आप लोगों ने, बच्चे मोबाइल के लिए अपने वालदैन को परेशान कर रहे हैं और खाना पीना भूल रहे हैं। मम्मी मेरी आंखें दुख रही है, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरी आंखें दुख रही है। चलो बैठो, मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। इसकी आंखों में दर्द है। हाँ मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ? मेरी आंखों में दर्द है। क्या हुआ? मेरी आंखों में दर्द है। कितने हैं? मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है दो है। बताओ ये कितने हैं? मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है तीन है। ये लगाकर देखो इसमें क्या नजर आ रहा है। मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये मोबाइल देखता है? हाँ ये रोज मोबाइल देखता है, बहुत मोबाइल देखता है। इसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। इसे चश्मा लगेगा। ये चश्मा कहाँ बनेगा? मैं आपको नंबर लिख कर देता हूँ, ये बाहर बनेगा, दो दिन बाद आकर ले जाना। इस बच्चे ने तो मुझे परेशान कर रखा है मोबाइल की वजह से, इसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। अगर ये इसी तरह मोबाइल देखता रहेगा तो इसके रिएक्शन वीक हो जाएंगे, उसका जिस्म काम करना बंद कर देगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। सॉरी डॉक्टर साहब, अब मैं इसे मोबाइल नहीं दूंगी। तो देखा आप लोगों ने किस तरह वालदैन परेशान हो रहे हैं, ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो रही है, आंखें खराब हो रही है। आंखें खराब हो रही है, खराब हो रही है। आओ आओ नाटक देखो। आओ नाटक देखो। आओ नाटक देखो। आओ नाटक देखो। चलो खेलने चलते हैं। मैं नहीं चल रहा, मैं गेम खेल रहा हूँ। क्या तुमने कर लिया? नहीं किया। जाओ बेटा खेलने के लिए जाओ। मुझे नहीं जाना। क्या तुमने होगा कर लिया? नहीं किया, मैं बाद में कर लूँगा। कहाँ ना बाद में कर लूँगा। तुम बहुत देर से मोबाइल खेल रहे हो। चलो बेटा होमवर्क कर लो। मैं बाद में कर लूँगा। कहाँ ना बाद में कर लूँगा। होमवर्क भी नहीं किया, टीचर इसे रोज पनिश करती है, ये पनिश में खड़ा होता है। इस बच्चे ने तो मुझे परेशान कर दिया, इसका तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, रात दिन सिर्फ मोबाइल मोबाइल। तो देखा आप लोगों ने बच्चे किस तरह पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और तालीम से महरूम हो रहे हैं। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। Yeah, I'll jump here.
चाहिए? आप क्या चाहिए? मुझे ऐसे बोरिंग वाले सूट नहीं चाहिए, वो जो मोबाइल में बताते हैं ना, लॉन्ग फ्रॉक, टॉल फ्रॉक, फैशन के कपड़े चाहिए। हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। नहीं, मुझे वैसे ही कपड़े पहनना है। मैं नहीं दिला सकती। नहीं, मुझे वैसे ही कपड़े चाहिए, बस चाहिए। ये मोबाइल में देख देख कर नहीं फरमाइश करती, इसके तो डिमांड बढ़ती है, इस लड़की तो मुझे परेशान कर रहा है। तो देखा आप लोगों ने बच्चे मोबाइल लेकर किस तरह जिद कर रहे हैं, वाले ने परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, फरमाइशें कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, फरमाइशें कर रहे हैं, फरमाइशें कर रहे हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। मोबाइल एडिक्शन से होने वाले नुकसान, नंबर एक बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, नंबर दो बच्चे अपने वाले दिन को परेशान कर रहे हैं, नंबर तीन बच्चे खाना पीना भूल रहे हैं, ए, ए, नीचे बैठ, नंबर चार बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, तालीम से महरूम हो रहे हैं, नंबर पाँच बच्चे खेल कूद से दूर हो रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने मोबाइल एडिक्शन से हमें कितने नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। तो आइए हम सब अहद करते हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे और मेरा भारत महान है।